भरते हैं। आपसे मैं कह रहा हूँ, उनसे बात चार साल पहले जो कहे हुए सब अपने वापस ले लें, हम नीचे कर लेंगे, लेकिन हमें टाइम तो दोगे नहीं दोगे। आज का अतिक्रमण हटाओ अभियान निवास ग्राउंड बिजली घर से लेके बरोला पुल तक चला। तीन दिन से अनाउंस कर रहे थे, काफ़ी हद तक लोगों ने स्वतः अपना अतिक्रमण हटाया और जिन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया उसको हमने हटवा के, कोई ज़्यादा विरोध नहीं हुआ, नॉर्मल हमारा अतिक्रमण संपन्न हुआ। और जिन लोगों ने जो पक्का अतिक्रमण था उनको हमने दो दिन का समय देके उनसे साइन लिए और दो दिन के बाद अगर उन्होंने नहीं हटाया तो हम दोबारा उसको आके अतिक्रमण को हटवा देंगे। काफ़ी लोगों ने हमारा सहयोग दिया, व्यापारी वर्ग ने भी काफ़ी सहयोग दिया और बाकी सिविल जनता ने भी काफ़ी सहयोग दिया और हमारा अतिक्रमण हटाओ अभियान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। ये टीम नहीं गिर रही लेकिन इसको कटवा लेना। हेलो भैया नीचे दो दिन सेट आ जाएगा उसका नंबर। ये मेरा कहना ये है कि हम दुकानदार हैं, हमारी दुकान के सामने जो 5-5 फीट की अगर रैंप लगी हुई है ये हमारी उठवा रहे हैं और बैक साइड में अभी मेरे मेसोड के बराबर ये 30 फीट लगा हुआ है उसको कदम इतने छू रहे हैं इसको और ये कह रहे हैं ये तो ऐसे ही लगा रहेगा, ऐसा क्यों? मेरा कहना भाव ये है, हम दुकानदार हैं, हम रोजगार कर रहे हैं अपने, 5-5 फीट की अगर हमारी रैंप लगी उसको उठवा रहे हैं तोड़ रहे हैं उसको, मगर जो 30 फीट पूरा लगा हुआ है हमारे सामने उस पर कोई इनका ध्यान नहीं है, ऐसा क्यों? मुकेश कुमार वर्मा, ये गौरनगर ITI रोड है बरोला चौराहा। क्या विरोध है आपका? क्या विरोध ये है कि आज से 4 साल पहले नगर निगम के कर्मचारियों ने हमसे ये कहा था कि फोल्डर लोहे का फोल्डर लगा लीजिए जिससे कि हमारे सफाई कर्मियों को सिल्ट निकालने में कोई दिक्कत ना आए, तो हमने फोल्डर लगा लिए, अब उनको भी तोड़ा जा रहा है। अब बताओ, अब नया आदेश आ गया तो फोल्डर भी नहीं लगेंगे तो घर में और दुकानों में कस्टमर कैसे जाएगा अगर नाला खुला रहेगा? या तो नाला खुदा कर पटवा लें फिर अपना चढ़ने का इंतजाम अपने आप कर लेंगे।